संसद में सरकार और विपक्ष के बीच चल रही सियासी रशाखशी अब बीजेपी की कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों से नए मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस के 5 नेताओं पर हमला बोला है। निशाने पर हैं हरीश रावत, अशोक गहलोत, दिगंबर कामत और पीके थुंगन। निर्मला सीतारमण ने एक स्टिंग सीडी के जरिए उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सीडी में हरीश रावत के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद एक्साइज पॉलिसी बदलने के लिए पैसों की डील करते नजर आए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि हरीश रावत ने पर्सनल सेक्रेटरी और बिजनेसमैन के साथ मिलकर आबकारी नीति बदली, इसके बदले करोड़ों की रिश्वत ली गई। इस आरोप के बाद हरीश रावत से इस्तीफा मांगा गया। हरीश रावत जी के साथ कोई घूम रहा है तो क्या मतलब है? चलिए सर, मैं कल अपना वादा पूरा कर देता हूँ, बस मुझे एक चीज बता दीजिए कितने दिन में पूरा हो जाएगा। रावत ने स्टिंग की सत्यता पर सवाल उठाया, खुद इस्तीफा देने या पर्सनल सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया। बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आज भी चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। बीजेपी ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी हमला बोला है। खुलासा किया है कि अमेरिकी कंपनी लुई बर्जर को 2011-12 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने और बायोडायवर्सिटी डेवलप करने के लिए 1152 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उस समय राजस्थान की फॉरेस्ट मिनिस्टर बीना काक थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। एक सोशल वर्कर ने इस प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दूसरी तरफ गोवा लुई बर्जर रिश्वत मामले में गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गोवा क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कुछ पूर्व मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी ने कांग्रेस को अरुणाचल के पूर्व सीएम पीके थुंगन की भी याद दिलाई। थुंगन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा हो गई है। थुंगन पर नागालैंड के सिंचाई घोटाले में 2 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा था। बीजेपी ने कांग्रेस पर अटैक करने के लिए अपने सांसदों को सागा ऑफ स्कैम्स इन कांग्रेस रूल्स स्टेट नाम से एक बुकलेट जारी की है। इसमें कांग्रेस शासित राज्यों असम, गोवा, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के घोटालों के बारे में बताया गया है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं पर हमले की शुरुआत कल सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट के साथ की थी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो संसद में उस नेता का नाम बताएंगी जिसने कोयला घोटाले में आरोपी और पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए जाने के लिए दबाव डाला था। उस नेता का नाम फिलहाल सामने नहीं आ सका है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज सुषमा स्वराज उस सीनियर लीडर के नाम का खुलासा कर सकती हैं। हालांकि बागरोडिया ने फिलहाल उस नाम को बताने से इनकार किया है। मुझे कहने की दरकार क्या है जब मैं जानता हूं उनको खुद को? अगर कैजुअली बात हो गई और आपने किसी को कह दिया मेरे लिए रिकमेंडेशन तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ? सीबीआई ने एक दिन पहले ही संतोष बागरोडिया को महाराष्ट्र के बांदरकोल ब्लॉक आवंटन में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली महिला कमीशन की अध्यक्ष के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को गैर कानूनी बताया है। एलजी ने संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा है कि स्वाति मालीवाल की नियुक्ति के लिए उनसे ना तो राय ली गई ना मंजूरी, इसलिए ये नियुक्ति अवैध है। एलजी ने केजरीवाल के ऑफिस को लिखी चिट्ठी में आज ये भी कहा कि दिल्ली की सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मुख्यमंत्री नहीं। जो भी आधिकारिक सूचना होगी, दिल्ली सरकार ने मुझे अपॉइंट करा है, अगर दिल्ली सरकार ये अपॉइंटमेंट वापस लेगी तो मैं दिल्ली सरकार की मतलब उसको रिस्पेक्ट करूंगी। दिल्ली में एक बार फिर एसीबी चीफ और सरकार भी आमने सामने है। एसीबी चीफ ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन को लेकर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये एक तरह से एंटी करप्शन ब्रांच को बिल्कुल कोलैप्स करने का एक सिस्टम है जो कि दिल्ली सरकार ने किया है। मीणा ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार हेल्पलाइन 1031 नहीं चला सकते तो एसीबी को सौंप दें, वो चला लेंगे। बिहार का विकास ही मेरा इकलौता एजेंडा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग। नीतीश कुमार के ट्विटर पर लिखे इस दोहे का विवाद अभी थमा ही था कि अब पोस्टर विवाद ने नीतीश और लालू के बीच बढ़ती दूरियों की बात को हवा दे दी है। नरेंद्र मोदी नीचे कमल छाप दिखा रहे उंगली, देखा बोट पर, अब उंगली कहता है उंगली नरेंद्र मोदी, अब लिख ले आओ कि बिहार को बदलो। कहने को तो लालू मोदी पोस्टर पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि भले ही लालू की निगाहें मोदी के पोस्टर पर हों, लेकिन असल में लालू ने नीतीश कुमार के पोस्टर की खिल्ली उड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से 2 दिन पहले आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का चीफ कमांडर यासीन भटकल जेल से फरार होने की साजिश रच रहा है। भटकल आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में है। खबर है कि खुफिया एजेंसियों ने भटकल का एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया था।
पता चला है कि भटकल बेऊर जेल में बंद अपने कुछ साथियों को भी रिहा कराने की साजिश रच रहा है। ये आतंकी पटना सीरियल ब्लास्ट के आरोपी हैं। बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इसे लेकर पटना पुलिस को अलर्ट किया है। बेऊर जेल की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी 25 जुलाई को बिहार जाएंगे, मुजफ्फरपुर में रैली को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान के कोटा में रेलवे अफसरों की वसूली का एक ऑडियो टेप सामने आया है। आरोप पूर्व DRM अर्चना जोशी पर लगा है। मामला कोटा का है। रेलवे अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि DRM अर्चना जोशी ने रेलवे के GM की बेटी की शादी के लिए पहले 20 तोला सोना मांगा, बाद में 50,000 देने को कहा, वरना ट्रांसफर कर देने की धमकी दी और फिर ट्रांसफर कर दिया। मैं आई कांट स्पेंड 50,000 मैडम प्लीज, मैं 50,000 नहीं देता। नहीं, रिश्वत ही मांग रही है मैम आप, थ्रू आउट यू आर आस्किंग फॉर रिश्वत। अर्चना जोशी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर अनिल गुप्ता से वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन मांगा था, किसी तरह की रिश्वत नहीं मांगी थी। झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम को जीते जी श्रद्धांजलि दे दी। शिक्षा मंत्री ने कलाम की माला पहनाई हुई तस्वीर पर तिलक लगा दिया और फूल चढ़ाए। नीरा यादव हजारीबाग के एक स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के उद्घाटन के लिए पहुंची थी। मंत्री जी को उनकी इस बड़ी गलती का अंदाजा तब हुआ जब उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार्यक्रम के दौरान उतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन हम सिर्फ वहाँ तिलक लगाए, माला नहीं पहना। माला पहनाते तो गेंदा फूल का ताजा माला मंगा करके ना पहनाते। लेकिन अब ये मामला स्कूल के साथ शिक्षा मंत्री की बड़ी किरकिरी की वजह बन गया है। विपक्ष ऐसी शिक्षा मंत्री को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। CCTV फुटेज में दिख रहा है ये शख्स सिद्धार्थनगर से समाजवादी पार्टी विधायक लालमणि का बेटा उग्रसेन है, जो अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे थे। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे टिकट मांगा तो विधायक पुत्र नाराज हो गए। उग्रसेन ने गार्ड को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और फिर समर्थकों के साथ मिलकर गार्ड की पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कानूनी कार्रवाई की जगह जबरन समझौता कराकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। हरियाणा के अंबाला में रेलवे ट्रैक के पास खेल रहे बच्चे कल उस वक्त सन रह गए जब उन्हें 7 जिंदा बम पड़े मिले। बच्चों की खबर पर पुलिस पहुंची। रेल रूट पर ट्रेनों का आना जाना रोक दिया गया। सेना ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया, मोर्टार को हटाकर निष्क्रिय किया गया। आसपास के इलाकों की तलाशी के बाद रूट को फिर से खोल दिया गया। 51 mm के ये विस्फोटक रॉकेट लॉन्चर में इस्तेमाल होते हैं। जिस रूट पर बम मिला उस पर बम मिलने के 20 मिनट बाद नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। बिजनौर में जमीन के विवाद को लेकर कारोबारी की पत्नी ने 2 महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। काफी देर बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने दबंग महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला का नाम ममता अग्रवाल है। इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस महिला को CEO की गाड़ी में बैठा कर थाने ले गई। हैदराबाद पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सत्य प्रकाश के साथ 13 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी साउथ अफ्रीका बांग्लादेश मैच के दौरान सट्टा लगाते पकड़े गए। पुलिस ने दर्जनों मोबाइल, वॉकी टॉकी, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेट ऑफ बॉक्स और करीब 26.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। गिरोह के तार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तक जुड़े हैं। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में CPWD विभाग से रिटायर्ड तेजराम नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप तेजराम की बहू पूजा पर लगा है। बताया जा रहा है कि पूजा ने इसलिए अपने ससुर का कत्ल कर दिया क्योंकि ससुर ने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। पूजा ने पति को भी धमकी दी थी कि वो उसके पिता की हत्या कर देगी। आरोप है कि पूजा कत्ल के बाद गहने और संपत्ति के कागजात लेकर फरार हो गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आरोपी बॉयफ्रेंड पकड़ा गया है। मुरादाबाद के चिंगेरी गांव में 14 साल की नाबालिग का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। घरवालों के मुताबिक लड़की मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे घर से निकलकर लापता हो गई थी। बुधवार की सुबह लड़की का शव एक गन्ने के खेत के पास पेड़ पर लटका मिला। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन पुलिस कई घंटे बाद मौके पर पहुंची और फिर DIG ने जाँच के आदेश दिए। नरसिंहपुर जेल से कैदी के फरार होने की CCTV तस्वीर सामने आई है। 20 साल का पंकज जेल से फिल्मी अंदाज में फरार हो गया और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सफेद कपड़ों में दिख रहा पंकज करीब 15 फीट ऊंची दीवार कूदकर जेल से फरार हो गया। पंकज के जेल से भागने के 1 घंटे बाद नरसिंहपुर जेल के जेलर को इसकी खबर मिली। बोकारो के इजरी नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर और उसे धोने गया ड्राइवर फंस गया। हालांकि नदी की तेज धार में बाहर ट्रैक्टर कुछ दूर जाकर नदी की रेत में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर और उसके साथ ड्राइवर को बचा लिया गया। इस दौरान ट्रैक्टर में रस्सी बांधी गई ताकि वो तेज बहाव में न बह सके। तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी में न जाने की सलाह दी है।
उत्तरकाशी में भारी बारिश से वर्णोवत पर्वत भी अब दरकने लगा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में खौफ है। वहीं भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है और चारधाम यात्रा को भी रोका गया है। उधर मुंबई के पास ठाणे के भिवंडी में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। बारिश की वजह से सोनाली रोड पर पुल टूट गया है और मुंबई नासिक हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिससे 15 गांवों के करीब 20,000 लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में मुश्किल हो रही है और लोगों को भिवंडी कल्याण इलाकों में जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री के एक होटल में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई। जगदम्बा नाम का ये होटल पुष्कर घाट से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है। जिस वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पुष्कर घाट पर ही शाम के आरती कार्यक्रम में मौजूद थे। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग चारों तरफ फैल गई। आग से एक पुलिस की बस, एक वैन, 4 मोटरसाइकिल और एक पान की दुकान भी जल गई। आग पर काबू पा लिया गया है। श्रीलंका दौरे के लिए आज बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी की सुबह 10 बजे दिल्ली के मौर्य शेरेटन होटल में बैठक होगी। बैठक में सिलेक्टर्स खिलाड़ियों के नामों पर विचार करेंगे और फिर दौरे के लिए टीम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार टीम में अक्षर पटेल और अमित मिश्रा को जगह मिल सकती है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 12 अगस्त को खेला जाएगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। वेयरहाउस में प्लास्टिक, गाड़ियां और घरेलू सामान रखा हुआ था। देखते ही देखते आग वेयरहाउस के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई और सारा वेयरहाउस जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच दल जुट गया है। वेयरहाउस में ज्यादातर कबाड़ रखा हुआ था, इसलिए फायर ब्रिगेड ने जलने के लिए छोड़ दिया था।